पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। तो देखा अपना, ये डे सबकी लाइफ में आता है। फर्स्ट टाइम सेक्स डे बहुत ही एक्साइटमेंट वाला और नर्वसनेस क्रिएट करने वाला डे होता है। तो आज मैं देने वाला हूं आपको कुछ टिप्स जिससे आपकी सेक्स लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, आपके फर्स्ट डे पे भी इंप्रूव हो जाएगी। तो नमस्कार भाई बहनों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूं। तो भाइयों, फर्स्ट टाइम सेक्स करते हुए हमें 4C का फॉलो करना है। तो जिसमें से पहला सी है कनेक्ट। हमको अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होना है इमोशनली। उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसको हमें जानना है, समझना है और उससे कनेक्ट करना है। दूसरा सी है कम्युनिकेशन। तो हमारे अपने पार्टनर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हमें अपनी रिलेशनशिप किस तरह से और कब आगे बढ़ानी है। तीसरा सी है कंसेंट। हमको रिलेशन बनाते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई जिद नहीं करनी है। जब दोनों पार्टनर की कंसेंट हो, दोनों कंफर्टेबल हो, जब ही रिलेशन को आगे बढ़ाना है। फोर्थ सी है इसमें कंडोम, जो कि बहुत जरूरी है। एक फेमस डायलॉग आपने सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है भाइयों। लेकिन इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई रिस्क नहीं लेनी है। और ये तो कब से कह रहे हैं, रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं। तो कंडोम आपको केवल प्रेगनेंसी से ही नहीं बचाता, कंडोम आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उससे बचाता है। आपके लिए हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम सेक्स हो, लेकिन आपको अपने पार्टनर का 100% नहीं मालूम, और आपको नहीं मालूम कि सामने वाले पार्टनर को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या नहीं। तो आपको प्रॉपर सावधानी रखनी है प्रेगनेंसी से भी और STD से भी। तो भाइयों, जो फर्स्ट नाइट होती है वो बहुत एक्साइटमेंट से भरी हुई होती है, लेकिन इस एक्साइटमेंट के साथ आती है नर्वसनेस। लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता इस चीज को सोच के, वो काफी नर्वस हो जाते हैं। खुशी भी होती है अंदर से कि फर्स्ट नाइट है, कुछ करेंगे, और नर्वसनेस भी। काफी लोगों की नर्वसनेस बहुत बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी क्रिएट कर देती है, और परफॉर्मेंस एंजाइटी से उनको सेक्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड प्रीमैच्योर इजेकुलेशन या शीघ्र पतन। तो जो फर्स्ट नाइट है, आपको उसमें परफॉर्मेंस की चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि जितनी आप परफॉर्मेंस की चिंता कम करेंगे, उतनी आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी कम हो जाएगी। और भाइयों, आपको अपनी फर्स्ट नाइट को लेके एक्सपेक्टेशन भी कम करनी है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। एक्सपेक्टेशन से फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। तो जितनी एक्सपेक्टेशन आप अपनी कम करेंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन भी उतनी कम होगी। और अगर आपको कोई फर्स्ट नाइट में प्रॉब्लम आई है, तो उससे ज्यादा घबराएं नहीं, क्योंकि हर चीज को सीखने में टाइम लगता है। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, तो हमें काफी टाइम लगता है। साइकिल चलाने में हम बार बार गिरते हैं, कार चलाना सीखते हैं तो बार बार कार ही बंद हो जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सीखने का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, तो हम चीजों को सीख जाते हैं। जो हमें छोटी छोटी मिस्टेक आ रही होती है, वो हमारी ठीक होती चली जाती है और हम उसमें परफेक्ट होते चले जाते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि दोनों पार्टनर को समझना चाहिए ये, कि अगर एक पार्टनर को दिक्कत आ रही है, तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। और इसके साथ, जब भी आप फर्स्ट टाइम सेक्स करें, तो जो भी आप जगह निर्धारित करें, वो सेफ हो, सिक्योर हो और प्राइवेट हो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ना ही कोई फ्यूचर में आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सके। तो अपनी ये चीजें बहुत ही प्राइवेट रखनी है। तो भाइयों, होप ये जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टिप्स दिए हैं, आप इनको फॉलो करेंगे और फर्स्ट टाइम सेक्स करते हुए आप कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिए और कमेंट में लिखिए अगर आपने कोई प्रॉब्लम फेस की हो अपनी फर्स्ट टाइम सेक्स लाइफ में, तो उसको कमेंट में लिख सकते हैं आप। और इस वीडियो को आप अपने बहुत ही किसी पर्सनल फ्रेंड को या अपने पार्टनर को शेयर करिए। और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।